हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे FS16 या फार्मिंग सिमुलेटर 16 में मल्टीप्लेयर कैसे खेलते हैं। तो हम इसे सबसे पहले गेम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास जो मल्टीप्लेयर का ऑप्शन आएगा हम इसे चूज़ कर लेंगे। फिर हम अपने ब्लूटूथ, हमारे जो ब्लूटूथ है उसे ऑन कर लेंगे। तो हम यहाँ ब्लूटूथ के अंदर चलते हैं और हमारी ब्लूटूथ है इसे ऑन कर लेंगे। और मेरे पास मेरा एक और दोस्त बैठा है, उसके फ़ोन का ब्लूटूथ हम ऑन करवा लेंगे। जैसे उसके फ़ोन का ब्लूटूथ का नाम है तेरेवा, तो हम इसे यहाँ चालू कर देंगे और उससे इंटरनेट एक्सेस देने के लिए बोलेंगे। तो दोस्तों, हमारे दोस्त ने हमें एक्सेस दे दिया है। फिर हम वापस से हमारे गेम में चलते हैं। फिर यहाँ से हम अपने दोस्तों को भी उसके गेम में मल्टीप्लेयर ओपन करने के लिए बोल देंगे। और उसके बाद में हम जो गेम ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन गेम है, यहाँ पर उसके पास एक ऑप्शन आ जाएगा। फिर वहाँ पे एंटर होकर वो हमारे गेम में आ सकता है। जैसे हम यहाँ से हमारा गेम ओपन कर लेते हैं, अब हम इसे थोड़ा बहुत चलाएंगे तो हमारे दोस्तों के पास ऑप्शन चला जाएगा ज्वाइन का। तो दोस्तों, उसके पास ऑप्शन आ चुका है, अब वो उसे क्लिक करके हमारे गेम में एंटर हो सकता है। जैसे अनिल भैया क्लिक करो। जैसे ये कनेक्ट हो रहा है और हमारा गेम कनेक्ट हो चुका है, हमारे दोस्त भी हमारे गेम में एंटर कर चुका है। इसके लाइव प्रूफ के लिए देखो, जैसे कि वो हमारा दोस्त ही चला रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि हम दोनों इस गेम में एंटर कर चुके हैं। मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ, मेरा दोस्त ये ट्रक चला रहा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ गेम से रिलेटेड।